दोस्तों, अपने बच्चों को बचाने के लिए माँ बाप क्या क्या करते हैं, इसकी मिसालें तो आपने सुनी और देखी होंगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि एक अजनबी लाइफ गार्ड की छुअन से बचाने के लिए कोई पिता समुद्र में डूब रही अपनी बेटी को मर जाने देगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दुबई में एक पिता ने अपनी 20 साल की बच्ची को समुद्र तट पर इसलिए डूबकर मरने दिया ताकि कोई पुरुष लाइफगार्ड उसे छू न ले। दुबई पुलिस ने बताया कि बच्ची का परिवार बीच पर पिकनिक मना रहा था जब बच्ची समुद्र में तैरने गई। बच्ची डूबने लगी तो उसने मदद के लिए आवाज लगाई। बीच पर मौजूद लाइफगार्ड बच्ची की तरफ दौड़े पर पिता ने लाइफगार्ड्स को ऐसा करने से रोका और बच्ची डूब गई। लाइफगार्ड्स जबरन बचाने जा रहे थे तो बच्ची के पिता ने धक्का मुक्की करके उन्हें रोका और कहा कि किसी अनजान के छूने से अच्छा है कि मेरी बेटी डूबकर मर जाए। बच्ची की समय पर मदद न मिलने के कारण डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस बाप पर गुस्सा करें या दया खाएं जिसने अपनी बेटी को खो दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लाइफ गार्ड का अपनी बेटी को छूना मंजूर नहीं था। दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।